नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर दानापुर से, जहां फुलवारी शरीफ के उफनपुरा वी पॉइंट के पास बेकरी व्यापारी विभास कुमार झा के घर में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान दो महिला को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। दोनों मृतक आपस में मां बेटी थी। मां का नाम मानती देवी झा जबकि बेटी का नाम पूनम कुमारी झा था। घटना के बारे में बताया जाता है, घर में विभास कुमार झा के घर में सास और पत्नी थी। तेजधार हथियार से अपराधियों ने पहले सास मानती देवी झा को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पत्नी पूनम कुमारी झा बचाव करने आए तो अपराधियों ने उसे भी मारकर घायल कर दिया, जिसका पटना के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपराधी लेकर चला गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार घर में कीमती सामान को भी लेके गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर को सील कर फॉरेंसिक टीम को बुलाई है। थाना अध्यक्ष इकरार अहमद ने बताया कि सुबह में पता चलेगा कि घटना और मौत कैसे हुई है। फिलहाल घर को सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक की टीम को बुलाई गई है। फिलहाल हत्या का वजह पुलिस नहीं लगा पाई है। बेउर पुलिस और रुपसपुर पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है।